Let's learn and earn from your home. Learning with earning. अच्छा, SEO का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है और लाइक ओके ग्रेट. अच्छा, तो SEO का था कि SEO क्या होता है. अब ये कि अगर आप मतलब फर्स्ट करें, आप जैसे किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कोई रिस्ट वॉचेस हैं या कोई भी चीज़ है जो आप कह रहे हो कि भाई मैं ये सर्च करूँ, मुझे ऑनलाइन कोई चीज़ मिल जाए या शर्ट्स वगैरह या कोई भी चीज़, ठीक है, तो आप क्या सर्च करोगे? आप वहाँ लिखोगे कि टी शर्ट्स या फिर अफोर्डेबल रिस्ट वॉचेस लाइक दिस, ठीक है, आप ये सर्च करोगे. तो जिस बंदे ने अफोर्डेबल रिस्ट वॉचेस का कीवर्ड यूज़ किया होगा, और जो कीवर्ड यूज़ करने का पूरा तरीका जो आगे आपको पता चलेगा उस तरह से यूज़ किया होगा, तो वो वाली जो वेबसाइट्स हैं वो वहाँ पे आ जाएंगी. एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर. अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर मैंने टाइप किया ना रिस्ट वॉचेस, तो आप देखें यहाँ पर ऑलरेडी जो लोगों ने टाइप किया हुआ या लोगों ने सर्च जो चीज़ें की हुई, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि रिस्ट वॉचेस फॉर वुमेन, रिस्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, रिस्ट वॉचेस ब्रांड्स. ये गूगल खुद अपने आप से हमें सजेशंस दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी लोग जो हैं इस चीज़ को सर्च कर चुके हैं, ठीक है. तो अब अगर हम रिस्ट वॉचेस फॉर वुमेन सर्च करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पर आप देखें, इन्होंने जो है टाइटल में विमेंस वॉचेस यूज किया हुआ है, ठीक है, और नीचे आप ये देखिए कि इनके यहाँ पर भी रिस्ट वॉचेस है, इनके यहाँ पर भी एक कीवर्ड यूज हुआ है रिस्ट वॉचेस फॉर विमेन. तो ये एग्जैक्टली वही कीवर्ड है जो मैंने सर्च किया, इसलिए इनकी साइट यहाँ पर आ रही है. नहीं तो अगर इन्होंने यूज किया होता ना कि विमेन वॉचेज या इस तरह की कोई चीज, तो ये यहाँ पर हमें ये शो ना करता ये रिजल्ट, ठीक है. ये सिर्फ इसलिए शो हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जो भी कंटेंट नीचे है उसमें प्लेस किया हुआ है, ठीक है. अब हम नीचे देख लेते हैं. अब नीचे जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसमें ये देखें विमेन वॉचेस आ रहा है, देन रिस्ट वॉच और विमेन भी उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है. इस तरह से ये सारी चीज़ें गूगल ने जब देखी कि भाई ये इस साइट पर आ रही है, इस साइट पर आ रही हैं, तो उसने फिर हमें ये वाली साइट्स दे दी. नहीं तो बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जिन पे रिस्ट वॉचेस होंगी, लेकिन गूगल हमें ये वाली क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने सर्च किया है रिस्ट वॉचेस फॉर वुमेन, तो हमें वो ये इसलिए दिखा रहा है, ये साइट्स दिखा रहा है क्योंकि इन पे यही चीज़ें यूज हो चुकी हैं, इनकी साइट पे, इनके पेज पे ये चीज़ें पड़ी हैं. गूगल ने वो पेज ढूंढा है और वो जाके हमें पेज उठा के ला के दे दिया है, उसका लिंक भी ऊपर दे दिया है. ये दराज पीके की साइट है, उसके आगे ये उसके पेज का आगे लिंक है, वुमेन्स वॉचेस का उनका आगे कैटेगरी है, उसका ये लिंक है, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया, ठीक है. अब अगर हम कुछ और सर्च करते हैं, लाइक क्या सर्च कर सकते हैं हम यहाँ पर, चलो कॉस्मेटिक्स सर्च करते हैं, यहाँ पर सिर्फ कॉस्मेटिक सर्च करके देखते हैं क्या आता है. चलिए अगर क्या है, तो यहाँ पर हमें ये पूरा एड्रेस आ रहा है कि इस्लामाबाद में फलानी जगह है और वहाँ पे ये लेजर सेंटर है, इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी यूज़ किया हुआ. अब आप यहाँ पे देखें, इनके टाइटल में भी है, इनके डिस्क्रिप्शन में भी है, इनकी फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड्स भी यही हैं, सेकंड लाइन के भी यही हैं, देन सर्जरी का यहाँ पे यूज़ हुआ है, देन सर्जरी का यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो ये सिर्फ हमें गूगल सिर्फ सर्च इस तरह से किया है, गूगल ने हमें जिन पे ये वाला यूज हुआ है कीवर्ड, ठीक है. तो आप लोगों को समझ आ गई होपली ये चीज़ कीवर्ड वाली, ठीक हो गया. अब आप लोगों को ये समझ आ चुकी है कि भाई किस तरह हमने सर्च किया है और हमें गूगल ने वही पेजेस ला के बताए हैं जिन पे वो चीज़ यूज हुई है, वो कीवर्ड्स उन्होंने इस तरह से यूज किए हैं, ठीक है. अब हम जो है वो आगे जाते हैं. अब हमने सर्च करने वाला कर लिया कि भाई किस तरह सर्च करते हैं और हमें रिजल्ट कैसे, उसके रेलिवेंट रिजल्ट आ जाते हैं. तो ये सारा उसी के बारे में है कि किस तरह से हम लोगों ने उसी तरह टारगेट किया है, कोई बंदा उसी तरह सर्च करेगा तो उसको वही चीज़ नजर आएगी.
अब यहाँ पर आप इसको देख लें कि SEO का क्या प्रोसेस होता है. ये पूरा SEO का प्रोसेस है, लाइक इट्स नॉट जस्ट कंटेंट. पहले सबसे पहले हम कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं. अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो ना, लाइक अगर आपको कोई कहे कि मेरी ये साइट है, ये पेजेस इसके लिए लिखने हैं, तो वो आपको ऑलरेडी कीवर्ड्स बता देगा. मोस्टली ये होता है. अगर ऐसा ना हो तो आप लोगों को खुद भी रिसर्च करनी पड़ जाती है. लाइक आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर वो आप यूज़ कर सकते हैं. वो ना करें तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट गूगल कीवर्ड प्लानर मोस्टली चलता है. तो फिर आप कीवर्ड्स उसके लिए सर्च करते हैं, देन उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं आगे. ठीक है, अब उसके बाद ये पूरा मतलब एक SEO का प्रोसेस है, किस तरह से लिंक बिल्डिंग की जाती है. देन उसके बाद उसको फ्रेश रखा जाता है. देन उसके बाद उस पर जो ट्रैफिक आ रही होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है ना. और ठीक है, ये SEO का प्रोसेस है पूरा. तो सबसे मेन जो इसमें चीज़ है कि आप कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ करोगे, वो सबसे मेन चीज़ आती है. ठीक है, और किस तरह से आप फिर उन कीवर्ड्स को यूज़ करोगे, हर मतलब पेज पे आपने किस तरह से उनको किया और किस तरह से आपके कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं. ठीक है, आपने कीवर्ड्स सर्च किए, देन कोई एक कीवर्ड उसमें से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसी कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपने कंटेंट राइट किया पूरा, जितने भी वर्ड्स का 500, 300 और 2500 इवन, तो ये आपने करके लिख के देन उसको उस साइट पर प्लेस किया. और जब वो आपने उधर प्लेस किया है तो लोग, ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए कि लोग उसको शेयर करें, क्योंकि यकीनन हमें ट्रैफिक इसी तरह आएगी कि लोग उसे शेयर करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें ट्रैफिक भी नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत से तरीके होते हैं ट्रैफिक लाने के, बट एक मेन कंटेंट की तरह से ये होता है कि आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए और फिर वो कहें कि यार ये साइट अच्छी है, मुझे यहाँ पे आना चाहिए, इस साइट पे आके विजिट करना चाहिए, इनका कंटेंट अच्छा होता है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब कोई इनकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही होती है ना. और ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है. और सबसे पहले आपको क्वालिटी का ख्याल रखना होता है. जो भी आप कंटेंट प्लेस करने जा रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर वो अच्छी नहीं होगी तो यकीनन कोई पढ़ेगा नहीं, उसको शेयर नहीं करेगा. अगर उसको शेयर नहीं करेगा तो कंटेंट प्लेस करने का वो जो मतलब है वही ख़त्म हो जाता है. ठीक है, देन उसके बाद अब ये गूगल की रैंकिंग का एल्गोरिथम यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट शो किया हुआ है कि ये बाकी चीज़ें तो आगे, लेकिन जो हमारा मैटर करता है वो ये चीज़ के एंकर टैग्स है यहाँ पर, और एक्सटर्नल लिंक्स जो पेज पे आ रहे हैं, एंड ऑन पेज कीवर्ड यूसेज. यहाँ पर आप देखें 15.04 एंड 20.26% जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं. तो आप देखेंगे एंकर टेक्स्ट पे और एक्सटर्नल लिंक्स पे कितना ज़्यादा मैटर कर रहा है ये. अच्छा, एंकर टेक्स्ट किसको कहते हैं? एंकर टेक्स्ट ये होता है कि आप कोई भी कंटेंट लिखो, या मुझे आप लोगों को बता ही देना चाहिए वहाँ से. यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा है ना, ठीक है, इसको मैंने अब इसमें URL डालना है. लाइक अगर मैं रिस्ट वॉचेस को सिलेक्ट करूँ, आप लोगों ने देखा होगा लाइक कि आप कहीं भी किसी भी साइट पे सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे लिंक्स होते हैं, आप उन पे क्लिक करें. या मैं आप लोगों को ये डालना भी बता देती हूँ, और ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर लिंक्स होते हैं. मैं कोई साइट यहाँ से खोल दूँ, मे बी यहाँ पर कोई हो इनके पास. और हम ये जो हमने रिस्ट वॉचेस का लिखा है इस पर हाइपर लिंक प्लेस कर देते हैं. यहाँ पे हाइपरलिंक में जाकर इसका यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं. तो अब ये हमारे पास लिंक बन गया. अब हम इसको क्लिक करेंगे, वो क्लिक करके बता देती हूँ. ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मुझे नया वो खोल देगा. ये मुझे बताएगा कि आपने किससे खोलना है, गूगल से और व्हाटएवर यू वांट टू. तो मैं गूगल से खोलूंगी तो ये मुझे वही उसी लिंक पे ले जाएगा जो मैंने लिंक डाला है. तो आप यूँ हाइपरलिंक्स डाल सकते हैं. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया. अच्छा, तो ये हो गया एंकर टेक्स्ट का बता दिया मैंने. और जो नए बच्चे आए हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज साथ साथ. अच्छा, वो मैंने बता दिया है कि आपने ऐसा कंटेंट लिखना है कि जो लोग हैं वो बहुत खुशी खुशी उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, क्योंकि वो शेयर करेंगे तो और लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो आपकी साइट पर ट्रैफिक आएगी. तो इस वजह से जो है आपका रैंकिंग जो है वो गूगल पे ज़्यादा होती जाती है.